जिस तरह हर कहानी में अक्सर एक हीरो के अगेंस्ट एक विलन होता है, उसी तरह हर स्कूल स्टूडेंट की कहानी में भी एक विलन जरूर होता है जिससे हर कोई डरता है। जी हाँ, मैथ यानी गणित। मगर एक शख्स है जो अब इस डर को खत्म करना चाहता है, जो नंबर्स के साथ दिमाग में ऐसे कबड्डी खेलता है कि उसके लिए बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करना मानो पलक झपकने जितना तेज और चुटकी बजाने जितना आसान है। 96 मल्टीप्लाइड बाय 779,150 डिवाइडेड बाय 97,395 प्लस 569। 1337। OMG, मिलिए दुनिया के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर से, हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश। इस फर्राटेदार कैलकुलेशन से मैथ को बच्चों का खेल बनाने के पीछे भानु का सीक्रेट यही है कि वो मैथ्स को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि एक खेल की तरह ही ट्रीट करते हैं। और भानु के अंदर ये कला सही मायने में एक्सीडेंटली ही आई, क्वाइट लिटरली। In 2005, I met with an accident. I was stuck at home for an entire year. My parents got me all kinds of puzzles and activities to keep me engaged. Puzzles and math interested me because of how it presented itself to me in a way that, hey, here's a challenge. You're here. Can you do this? If yes, how quickly can you do this? और फिर जिस तरह से कैलकुलेटर पे उंगलियां ताबड़तोड़ चलती हैं, उसी तरह भानु के दिमाग में भी कैलकुलेशंस ताबड़तोड़ चलने लगी। For a brain to work on the limits of cognition, it needs more than just practice. If I'm looking at a number of cars, I'm like, how many cars am I passing through? How many times is the person whom I'm talking to blinking per second? How many steps have I taken in the last 5 minutes? This is a way to keep my brain consciously engaged, and this is how you get better and better. भानु को अपनी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस से ज्यादा कुछ करना पड़ता है, इसीलिए वो रोजमर्रा की जिंदगी में भी कैलकुलेशन के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं जिससे उनके ब्रेन में नंबर्स को प्रोसेस करने की स्पीड और भी बढ़ जाती है। कितनी, खुद ही देख लीजिए। एक ही नंबर को खुद से लगातार ऐड करने का रिकॉर्ड। Can you give me a two digit number? 43. Let's start. 43, 86, 129, 172, 215, 315, 320, 340, 43, 4, 13, 4, 7, 3, 5, 6, 5, 59, 6, 0, 45. अरे भाई, कोई रोको इन नंबर्स की फायरिंग को। 989, 103, 2, 1, 0, 7, 5. No wonder, अपनी सुपर फास्ट कैलकुलेटिंग स्पीड की बदौलत भानु सुपर फास्ट स्पीड से रिकॉर्ड्स भी बनाते चले जा रहे हैं। तभी तो महज 21 साल की उम्र में भानु के पास ऑलरेडी हैं 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और 50 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। साथ ही ही इज द फर्स्ट एंड ओनली एशियन टू विन द माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड, जो है दुनिया के सबसे बड़े मेंटल स्किल्स और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में से एक। 2020 में इस कॉम्पिटिशन को जीतकर भानु बन गए द फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड। और इसी के साथ मैथमेटिशियन शकुंतला देवी का दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़कर रच दिया इतिहास। OMG! भानु की सुपर ह्यूमन एबिलिटी को देखकर भैया मुझे तो शक होता है कि कहीं इन्होंने दिमाग में कोई सुपर कंप्यूटर चिप तो नहीं इंस्टॉल कर रखी है। ह्यूमन ब्रेन के कई पार्ट्स होते हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रंटल लोब, जो अंडरस्टैंडिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए होता है, टेम्पोरल लोब मेमोरी के लिए, और पराइटल लोब कैलकुलेशंस और आइडिएशनल एक्टिविटी के लिए। ब्रेन में ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन की नॉर्मल स्पीड 60-70 मीटर्स पर सेकेंड होती है। भानु प्रकाश की शॉर्ट टर्म मेमोरी जो रजिस्टर्ड हो रही है प्लस एसिमिलेट हो रही है, उसका कनेक्शन फ्रंटल लोब से और उसका कनेक्शन फिर एंगुलर कॉर्टेक्स से बहुत फास्ट है, और उसकी स्पीड शायद 80 मीटर पर सेकंड या उससे भी ज्यादा है, जो ऑप्टिमल ब्रेन में कंडक्शन की स्पीड होती है। भानु की फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर बनने की कहानी एक एक्सीडेंट से शुरू हुई, लेकिन आज अपने OMG टैलेंट से मैथ फोबिया को हराने का जो कमाल वो कर रहे हैं, वो कोई एक्सीडेंट नहीं, प्योर जीनियस है। नीलकंठ भानु प्रकाश के एफर्ट से हम उनकी तरह वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर तो शायद कभी न बन पाएंगे, मगर हाँ, मैथ से दोस्ती करना तो जरूर सीख ही जाएंगे।